दुनिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पंजाब के किसान आज सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का मुख्य काफिला पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से रवाना होगा। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर से भी किसान हरियाणा में घुसेंगे। यहां से वे ट्रैक्टर ट्रालियों में दिल्ली की तरफ जाएंगे। इससे पहले मंगलवार देर रात पंजाब में शंभू बॉर्डर की तरफ हेवी मशीनरी लेकर जा रहे किसानों और पुलिस में नाकाबंदी पर झड़प हो गई। इसमें शंभू थाना के एसएचओ इंस्पेक्टर अमनपाल सिंह विरकी और मोहाली के एसपी जगविंदर सिंह चीमा घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर झग्गर नदी के ऊपर बने पुल पर सीमेंट के गडर और कटीले तारों से बैरिकेडिंग की है। इसे तोड़ने के लिए किसान जेसीबी, हाइड्रोलिक क्रेन और बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन भी साथ लाए हैं। किसान नेताओं की रणनीति के मुताबिक सुबह 6 बजे ट्रैक्टर लाइन में खड़े कर दिए जाएंगे। शंभू बॉर्डर पर करीब 1200 और खनौरी बॉर्डर पर 800 ट्रैक्टर खड़े हैं। इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। आज आंदोलन का 9वां दिन है। 8 दिन से जारी किसान आंदोलन में अलग अलग वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 2 किसान और 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।